This of course is Moti Masjid. It's very beautiful. How many of you have seen it? It's right next to the Haja Qutub's Dargah. And this is where Bahadur Shah Zafar ki jo sadqa hai, where he wanted to be buried, which is just adjacent to the Haja Qutub Dargah. It's very beautiful place. Magar uska hai bhai, Rajiv, aap iska kuch kijiye. You know, when I go here, this is in Zafar Mahal, inside Zafar Mahal. And Zafar Mahal isn't such, it pains my heart because wahan pe jo diwar hai, I mean, you can see people building the houses. I brought it to the notice of the Delhi government, but nothing is being done. People just, it's horrible what's happening in Zafar Mahal. नहीं नहीं ये मोती मस्जिद एक कहलाती है ये छोटी सी है मुझे मालूम नहीं है लेटर मुगल्स ने बनाई है शायद अकबर शाह टू ने या किसी ने बादशाह जफर के पुरखों ने एंड दिस इज राइट नेक्स्ट टू खाजा पुकर इट्स कॉल्ड मोती मस्जिद हाँ वो भी है ये बहुत ही खूबसूरत है छोटी सी है इट्स लाइक अ हिडन ज्वेल इन दिल्ली नोबडी रियली नोज अबाउट इट यू हैव टू कम यू हैव टू गेट इनटू Zafar Mahal to go there. And this was the other place. Can you all see? You want to set up that light so you can maybe get a better picture? Okay, this is Aulia Masjid. This is very close to again Khaja Qutub Darga. And these three stones are here. Kehte hain ki Khaja Gharib Nawaz ne Baba Farid and Khaja Qutub because these were the only three who actually met each other together in Delhi. So these are the three stones. जिसपे उन्होंने नमाज पढ़ी है तो लोग आके यहाँ पढ़ते हैं अब मदरसा भी है वहाँ पे ये तीन पत्थर उन्होंने निशान बनाए हैं और ये बहुत मशहूर बहुत लोग आते हैं औलिया मस्जिद जाना है सो आई कैन नॉट थिंक पुरानी किताबों में इसका जिक्र है ये देखिए ये भी सहारा महरौली में है दे आर वेरी ब्यूटिफुल ख्वाजा सबीउद्दीन सुहरावर्दी जो जमाली के पीर थे और ये अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी जो कादरी बुजुर्ग थे वो उनका भी बहुत खूबसूरत मजार है इट्स कॉल्ड इस्लाम कॉलोनी और समथिंग राउंड अराउंड द बैंक्स ऑफ वाजी शमसी ये जमाली की है वो एक बहुत खूबसूरत मस्जिद है आर्कियोलॉजिकल पार्क उसमें एएसआर पार्क इट्स अ ब्यूटीफुल पार्क एंड दैट्स जमाली ये धौला पीर है यू मस्ट हैव पास्ड इट एक्चुअली इट इज ऑन दैट बदरपुर मेहरौली रोड एंड ये हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के खलीफा थे बहुत कम लोग जानते हैं एंड इट्स वेरी इट्स स्टिल देयर एंड दिस इज वेयर दे से कि अब्दाल 40 अब्दालों के आपने देखा मनोज साहब 40 अब्दालों का जो है चिंता चिंता अब्दाल आर नॉट ह्यूमंस दे आर प्रोबेबली जिन्स दे से दैट देयर 40 ऑफ देम आर बरीड देयर ये आशिक अल्लाह ये देखा आपने आशिक अल्लाह ये भी बहुत पुरानी है 13-15 की हैं बुजुर्ग एक एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल ये एक्चुअली लाल कोट में है जहाँ पुरानी ईदगाह होती थी सो दिस इज ऑल्सो मेहरौली दिस इज बाबा फरीद ब्रदर हजरत नजीबुद्दीन मुतवक्किल वो एक्चुअली सेंट हजरत निज़ामुद्दीन औलिया टू हिज टू बाबा फरीद कि तुम वहाँ जाओ बिकॉज दे यूज्ड टू लिव विद हिज मदर इन अर्चनी एंड दिस इज ऑफ कोर्स ऑल्सो His mother's tomb, Mai Sahiba, is right opposite Mothers International. A little ahead, not exactly opposite. But I love going there because Hazrat Nizamuddin Auliya very devoted. And when he was more frustrated, he would go to Mai Sahiba. This is the Chilla, which I in fact had my book launch there, Sufi Courtyard. So I requested them and we had a little Qawwali there. It's just very beautiful. And that is the side of the tomb, Humayun's tomb. ये सब चिल्ले This is an old picture of the Bagh. अब तो क्या बहुत पानी भी आगा खान ट्रस्ट वालों ने कुछ किया बट भी गंदा हो जाता ये तो वही ये तो मेरे को सुरक्षित है
ये जहाना इज बेरिड इन दी दरगाह कॉम्प्लेक्स ऑफ हजरत निजाम की नवालिया शी वाज वेरी डिवोटेड टू हिम शी रोट अ बुक ऑन हाजर रहीम नवाज बायोग्राफी मून एक और किताब लिखी थी मून इज लरवा सो शी वाज अ वेरी रिफाइंड वुमन शी वाज शी हैड द सील ऑफ अ फादर बिकॉज़ द मदर डाइड एंड कहते हैं आखिरी वक्त उन्होंने अपना यहाँ गुजारा And again, Nizamuddin like Mehrauli became a, you know, a special, very favored place for burial. So, Panchpira bhi hai wahan pe, aur ye Naik Khan bhi hai, Ghalib bhi hai, Chausat Khamba bhi hai, Arka Khan bhi hai. So, bahut sare log hain. Patte Shah sahab is right where Horizon School is, next to, just before, again on that Chinda Khan BSF road. And it's very beautiful. My son goes there for Jumma. एंड ये इनका नमाज जनाजा हजरत निजामुद्दीन औलिया ने पढ़ा था इनका नाम पढ़ गया था पत्ते शाह इनके ये छुप जाते थे जब हजरत निजामुद्दीन औलिया आते थे कहते थे मैं इतने बड़े बुजुर्ग के सामने नहीं आ सकता बट ही डिड से कि मेरा जनाजा वो पढ़ाएंगे विच वी केम टू एंड हजरत निजामुद्दीन औलिया इज टू से कि जिसको जल्दी काम कराना है वहाँ चले जिस ऑफ कोर्स ये कलंदर थे ये भी उसी पीरियड के हैं तो आप देखें कि दिल्ली जैसी जैसी साउथ आई सॉरी नॉर्थ आई बिकॉज मेहरौली से फिर आगे बढ़ी तो ड्यूरिंग आफ्टर मेहरौली द नेक्स्ट एरिया ऑफ सूफीज वॉज निजामुद्दीन एंड दैट इज द टाइम दे वर ऑल लिविंग टुगेदर ये सब उनकी कंटेम्प्रेरीज थे एक ज़माने में हम ही कहते हैं यहाँ मेटल के और हो सकता है चांदी बांदी की मट्टी अब तो मट्टी के चल ये दिस इज अनदर वन ऑफ माई फेवरेट दरगाह बीबी फातिमा सामी बाबा फरीद की डिसाइपल थी और बाबा हजरत निजामुद्दीन औलिया की पीर बहन थी ये काका नगर में है राइट एंड आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ एनक्रोचमेंट बट स्टिल इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस राइट इन द नेदर कम्युनिटी सेंटर ऑफ काका नगर इनको दिल्ली की राबिया भी कहते हैं ये बहुत जबरदस्त बोल दिस इज नूरुद्दीन मलिक यार पर्रा ये भी हजरत निजामुद्दीन औलिया की कंटेम्प्रेरी हैं ये स्पोर्ट्स क्लब के साथ ही है ना ये शायद ये जहाँ बाबी बेदिल है there's a lovely graveyard and बेदिल is there right you see that green thing is of बेदिल और ये मलिक याद करना का है ये भी हजरत निजामुद्दीन औलिया के खलीफा वो उनके कंटेम्प्रेरी थे ये चिराग दिल्ली है ये सलाउद्दीन दरवेश अगेन 1339 एंड ये मेरा ख्याल से मैं खुद भूल रही हूँ कहाँ पे है ये उधर ही इशराब दिल्ली के पास ये खिड़की विलेज में यूसुफ पत्ताल लेटर ये खिड़की विलेज एक्सटेंशन में ये शेख उस्मान सैया सुहरवर्दी सूफी ये लाल उबर के लाता है ये भी हजरत नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली के खलीफा हैं लोग यहाँ थोड़ा सा वो कह रहा था कि चादर चढ़ाते हैं हम अलाउ कर देते हैं लोगों को कबीरुद्दीन औलिया ये लाल उमर इन मालिया नगर इट्स कॉल्ड इन द पार्क अगेन विजय मंडल देयर आर ग्रेव्स ऑफ शेख ताहिर बहुत बड़ी खानखा सी होती थी इन दिस रुइन एंड ये उनकी डिसाइपल्स वगैरह हैं तो वो ये भी अभी बड़ी अच्छी एक जगह है आई डिड माई बुक एरिया वाइज फ्रॉम मेहरौली टू निजामुद्दीन टू चिराग दिल्ली ये तुर्कमान बयाबानी ये भी पुराने हैं ये ख्वाजा कुतुब के ज़माने के हैं एंड दैट इज़ वाई दे से रज़िया सुल्तान इज़ बिलीव इन बुलबुली खाना कहते हैं कि उनको बहुत मानती थी उनके पास में होती हजरत someone who was actually began life as an Armenian Jew and he was executed because he supported Dara Shikoh and Kalmani उन्होंने पूरा पढ़ा और इनके पल naked fakir used to be called और वो कहते हैं कि दिल्ली जो थी वो उलट जाती अगर हरे भरे साहब इनको ठंडा ना करते तो वो किस्सा है ना कि उनकी उन्होंने बिस्मिल पूरा कलमा नहीं पढ़ा था उन्होंने कहा मैं तो अभी नेगेशन में हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह ही मुझे पूरी तरह से समझ में नहीं आया अभी तो द ऑस्टेंसिवली ही वाज एग्जीक्यूटेड बिकॉज ही डिड नॉट रिसाइट द फुल कलमा विच इज ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बट ऑब्वियसली दे वर आल्सो बिकॉज ही वाज क्लोज टू दारा शिकोह एंड दारा शिकोह वाज वेरी फ्रेंडली विद हिम
सो जब इनका सर कटा तो वो कहते हैं कि उन्होंने अपना हाथ सर में अपने हाथ पे अपना सर रखा और सारी यू नो वो कलमा सर ने पूरा कलमा पढ़ा. सो दिस इज अ लेजेंड एंड दे से दैट दिल्ली उलट जाती अगर हरे भरे साहब उनको ठंडा ना कर दे. तो इज वेरी नेक्स्ट टू हरे भरे साहब जो कहते हैं कि उनके पीर थे. वो ग्रीन है इसकी रंग जो है वो शहादत का लाल है और ये इनके खंडे हैं इनको हरे भरे साहब कहते हैं. दिस इज मिर्जा जानी जाना शहीद. ये बहुत बड़े नक्शबंदी सूफी हैं. इट्स अ ब्यूटिफुल मॉस्क एंड ब्यूटिफुल प्लेस नियर तुर्कमान गेट. और आप यकीन मानिए इतने लोग मुझे फ़ोन करते हैं. लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम अब्रॉड एक्चुअली कॉल मी एंड फाइंड आउट बिकॉज ये नक्शबंदी इज ऑल ओवर एंड बिकॉज ही वाज अ नक्शबंदी सूफी दे से हाउ डू वी गेट देयर. सो आई राइट विद देम एंड गिव देम डायरेक्शंस. बट इट्स अ वेरी अमेजिंग प्लेस एंड वेरी अलाइव. यहाँ पे जिक्र की महफिलें होती हैं लोग आते हैं. एंड सी दिस ब्यूटिफुल मॉस्क विच इज देयर इन द एरिया. इट्स अ वेरी नाइस मॉस्क. ये देखिए ये हाल है ख्वाजा मीर दर्द का जो इतने बड़े सूफी थे और इतने बड़े शायर थे. हाँ देखा है परिसर भी ये देखने हाल बनाया है. बच्चों ने कॉलोनी वालों ने दिस इज नियर दाखिल सेन कॉलेज ख्वाजा मीर दर्द बस्ती एंड थोड़े से लोगों ने आसपास के कुछ शेड वर्ड डाल के तो इनकी पूरी फैमिली यहाँ है. दे वर ग्रेट पोएट्स ऑल ऑफ देम 1785 एंड दिस इज शेख कलीमुल्ला अगेन 1729. ये एक्चुअली ये तो ऑपोजिट ब्रेकफोर्ट है एंड इट इज एक्चुअली शेख कलीमुल्ला हु रिवाइव्ड द एंटायर चिश्ती एंड खानकाह ट्रेडिशंस इन दिल्ली. ये सदर में है शाह फरहाद. Again, one of the dargahs my father, my grandfather used to go to, and then my father, my parents, and then me. Abhi inka oath were 300 oath or something. But this is the dargah I'm very, very close to. It's near an area called Pul Bangash Sadar ke paas. Bahut khoobsurat dargah hai. Aur interestingly, aapko ek pe bhi dikhati hu aapko. Ye Baqi Billah sahab hai, Nabi Kareem, bahut bade buzurg of the Naqshbandi. It's in the within the graveyard because wherever there are Sufis, you know, graveyards come around them. ये बाकी बिल्ला साहब कहीं कब्रिस्तान के लाते हैं. And this is in Gnaut place. Has anybody seen this? It's a very beautiful place. दरगाह अब्दुल सलाम चिश्ती ये बाबा फरीद के फैमिली के हैं. And can you believe this is right in the opposite Marina Hotel on the left side. It's quite an amazing place itself. It looks like old Haveli. And ye Rasool Numa Panchkuya Road. And this was during the time of Rasool Numa kehte the ki wo apne muridon ko ziyarat kara dete the in Gurdwara. This is Khuda Numa ya Muli Batyali, the hunting lodge, I think one of the hunting lodges of Firoz Shah Kundar. ये दरियागंज में साबिर बख्श अगेन अ वेरी ब्यूटिफुल. आई यूज़ टू थिंक इट वाज़ अ मस्जिद जस्ट एज यू कम फ्रॉम टूवर्ड्स नॉट व्हेन यू आर गोइंग इट कम्स व्हेन यू ऑन द व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम द चांदनी चौक रेडफोर्ट साइड इनटू मथुरा रोड. सो लेफ्ट पे देयर आर कॉफी की मशीनें बनती हैं. यू सी अ डोम. I thought that was a masjid, but when I was researching for this book and I went inside, it was a very beautiful darbar. ये तो एंग्लो अरेबिक स्कूल में है ना. ये नीचे सादुल्ला की ये उनके हजरत शाह फरहाद साहब के खलीफा हैं. एंड वो कहते हैं कि पानी आ जाता है हर जुमेरात को ऊपर से अपने आप चला जाता है. आई नेवर सीन इट बट दैट्स इट. So, any questions anybody wants to ask? I'm sure somebody has some questions. Madam, आपने जो रुशनावा गार्डन में बालाधरी बनी हुई है वो भी दिखाई आपने. क्या चीज? रुशनावा गार्डन में बालाधरी बनी हुई है वो भी आपने दिखाई. बड़ा अच्छा मॉन्यूमेंट है वो. हाँ, but that not really. These are all दरगाह. These are not monuments really.
I haven't worked on the monuments so much. So my work is more on the dargahs which are all over, and I don't see dargahs as monuments. I see them as very, you know, places that are very alive with people, with prayer, with offering, with, you know, blessings, with langar, you know. I also don't know that area very well. Actually, when you have a bath, get there, huh? So is there, I can only aim